श्रमण संस्कृति के अमृत पुरुष व विलक्षण प्रतिभा के धनी युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का समग्र जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवंत प्रतीक रहा है। परमात्मा स्वरूप महान सद्गुरु के रूप में आप सदैव जन जन की श्रद्धा के केंद्र हैं। आपका बहुआयामी व्यक्तित्व हिमालय की भांति उत्तंग, गंगा की तरह पवित्र और सागर के समान गंभीर बना हुआ है। आपके सामने जीवन आता है सेठ सुदर्शन का। शास्त्र में वर्णन आता है कि सुदर्शन रिद्धि सिद्धि वाले नगरी में पूरी उनकी मान्यता थी, राजा भी उनको सम्मान देते थे, परंतु वो धर्म के ज्ञाता थे, धर्म पर अटूट श्रद्धा थी उनकी। कौन से धर्म को ज्ञाता थे? वो जानते थे जीव और अजीव का भेद गांधी। ये सूत्र में जिक्र आता है, एक श्रावक को, एक साधु को, एक जिन उपासक को सबसे पहले जीव और अजीव का बोध होना चाहिए। जीव क्या है, अजीव क्या है, और जीव और अजीव का बोध प्राप्त करके उसमें जीना, उसमें श्रद्धा रखना और निरंतर निरंतर आगे बढ़ जाना। फिर जीवन में कठिन परिस्थितियां भी आए, उससे भी व्यक्ति बचा जा सकता है, चला जा सकता है। धर्म क्या है, धर्म का आधार क्या है? दर्शन मूल धम्मो, धर्म का मूल है दर्शन। दर्शन का अर्थात दृष्टि। दृष्टि कैसी है? तत्वार्थ दर्शन के लिए आगे तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तत्व के ऊपर श्रद्धा करना वही सम्यक दर्शन है। तत्व क्या है? तत्व वो तत्व जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अखंड है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो स्वयं में संपन्न परिपूर्ण, वो तत्व, उस पर श्रद्धा होना। वो तत्व कौन सा है? जीव। दो तत्व, जीव और अजीव, एक तत्व और दूसरा देह, दोनों तुम्हारे साथ रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं, परंतु हमें उस जो शाश्वत तत्व है, जो शुद्ध है, जो अखंड है, जो निर्मल है, जो निर्लिप्त है, जो अष्ट गुणों से पूर्ण परिपूर्ण है, उस तत्व के बारे में जानकारी ही नहीं। जानकारी है तो इतना गहरा मिथ्यात्व है, अज्ञान है, मोह है, कि देह के प्रति इतना आकर्षण आ जाता है कि हम उस तत्व को भूल जाते हैं और उस तत्व को भूल करके सब काम कर लेते हैं, धर्म की क्रियाएं भी कर लेते हैं, दान भी दे देते हैं, व्रत उपवास भी कर लेते हैं, शास्त्र का स्वाध्याय भी कर लेते हैं और सब कुछ कर लेते हैं, परंतु दोनों तत्व भिन्न है, इसकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। और यदि अनुभूति नहीं होती, दो तत्व भेद विज्ञान नहीं होता, तो धर्म की शुरुआत नहीं होती। तो दो तत्व हैं, दो, एक जीव और एक अजीव, दोनों साथ साथ हैं। और सार है जीव। जीव यानी तुम्हारे भीतर जो चेतना है, जो आत्मा है, जो शुद्ध है। और ये संसार छह द्रव्यों से बना है। छह द्रव्य कौन से हैं? धर्मास्ति, अधर्मास्ति, आकाशास्ति, काल, पुद्गल, जीवास्ति, काया। अनादिकाल से हम ये छह द्रव्यों में घूम रहे हैं। धर्मास्ति क्या है, अधर्मास्ति क्या है? धर्मास्ति अधर्मास्ति हमें दिखाई नहीं देती। जैसे आप चलते हैं
धर्मास्ती साथ आपके रहती है। धर्मास्ती के हम विश्राम करते हैं, ठहर जाते हैं। धर्मास्ती का अर्थ है जैसी मछली चलती है पानी में, उसका आधार है जल। जल है तो मछली चलती है, जल ना हो तो मछली चल नहीं पा सकती। तो हमारे चलने का आधार धर्मास्ती है। और हम जब एक स्थान पर ठहर जाते हैं, जैसे पथिक बहुत यात्रा करता हुआ एक वृक्ष के नीचे ठहर जाता है, वह धर्मास्ती का आया है। ऐसे चारों ओर आकाश, ये काल, पुद्गल, ये शरीर और जीवास्ती, क्षय काया का संसार बना है। और हम उसमें भ्रमण निरंतर निरंतर करते रहते हैं। अनादिकाल का भ्रमण क्यों चल रहा है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल एक ही कारण है कि इस जीव ने अपने स्वभाव को छोड़ करके, अपने में ना श्रद्धा रखता हुआ, अपने में स्थित ना होता हुआ, जीव अजीव के साथ अनादि काल से लगा हुआ है और अपने स्वभाव को भूल गया और अजीव के साथ लग गया। उनके गुण धर्म, उनके जीव के गुण धर्म अलग हैं, अजीव के गुण धर्म अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, परंतु हमने उसके साथ लग करके ये फिर मिथ्यात्व, अज्ञान और मोह के कारण देह को अपना मानना, देह के साथ मेरे विचार, मेरा मन, मैंने जो कहा वो ठीक है, मेरी परंपरा, मेरी धारणा, और जो कुछ मेरा 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 करते करते हम अनादि काल से कर्मों का बंधन कर रहे हैं। मेरा छूटता नहीं और मैं में हम आ नहीं पाते, इस कारण से हम संसार में बंधे हैं। तो जीव से अजीव, अजीव को अपना मानना, और पुद्गलास्ति, जीव क्या है? पुद्गल है। अजीव क्या है? पुद्गल है। पुद्गल बदलता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। पुद्गल को अपना नहीं मानना। जो शाश्वत है, जो सत्य है, जो अखंड है, जो शुद्ध है, जो निर्मल है, जो परिपूर्ण है, जो आपके साथ सदा है, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाता, जैसे शरीर बदला, आयुष कर्म पूरा हुआ, वो जीव कार्बन शरीर लेकर के दूसरी जगह चला जाता है। तो हमने किसको महत्व देना है? जीव को महत्व देना, अजीव को महत्व नहीं देना। हमारा एक ही भूल है कि हम भूल गए। किसको भूल गए? जीव को भूल गए, जो शाश्वत है। इसको बार 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 स्मरण करिए। जैसे आपके शरीर पर कोई असाध्य रोग हो जाता है, ऐसा रोग जो डॉक्टर कहते हैं इंडिया में तो उसका इलाज ही नहीं, आपको बाहर जाना पड़ेगा, अमेरिका जाना पड़ेगा, जर्मनी जाना पड़ेगा, तो आप क्या करते हैं? उस रोग को दूर करने के लिए आपके पास जितना भी धन है, ना भी धन हो तो किसी से लेकर के उसका इलाज कराने के लिए आप विदेशों में चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? शरीर का रोग ठीक हो जाए, हो ना हो अलग बात है, सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। और शरीर का रोग ठीक भी हो सकता है, नहीं हो सकता। अब प्रश्न है, शरीर का रोग ठीक होने के लिए आपने सब लगा दिया, सारा धन लगा दिया, कर्जा लेके भी लगा दिया, परंतु इस जीव पर, आत्मा पर कर्म रोग लगे हैं और कर्म निरंतर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। उसको मुक्त होने के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जीव चार गति की यात्रा कर रहा है। जीव मुक्त होना चाहता है, इस देह से मुक्त होना चाहता है, परंतु क्यों मुक्त हो नहीं पाता? आयुष कर्म बंधा हुआ है। आयुष कर्म है तब तक जीव इस देह के साथ, आयुष कर्म टूटा तो जीव अलग चला जाए। तो कर्म रोग जो है उसको हम चिंता ही करते हैं। कितना धन कमाने के लिए व्यक्ति कितना मेहनत करता है, उसमें कई बार झूठ भी बोल देता है, कुछ मिला भी देता है, कुछ और भी कर देता है, और भी कई प्रकार के आमोद प्रमोद साधन करने के लिए आप सब कुछ कर लेते हैं, तो कितने कर्म बांध लेते हैं अज्ञान
मोह और मिथ्यात्म, यही हमारा अज्ञान है कि देह का रोग तो हम दूर कर देते हैं, परंतु जो आत्मा का रोग कर्म रोग है उसको दूर नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ये संसार की यात्रा, ये संसार की यात्रा क्या बने? वीतराग यात्रा बने। वीतराग यात्रा बनने के लिए जैसे जैसे हम वीतरागता की तरफ अपने धर्म की शुरुआत में आएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या है वीतराग यात्रा आप पूछेंगे? वीतराग यात्रा है शुरुआत में जैसे बेसिक ध्यान शिविर में, वेद विज्ञान में, आचारंग सूत्र में, सोहम की साधना। सोहम वो मैं हूँ, सो यानी सिद्ध भगवान, सो यानी पंच परमेष्टि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, सो यानी जो देवलोक के सभी देव, सो यानी मनुष्य पशु स्त्री नपुंसक सभी जीव, 4 गति 84 लाख, उनकी चेत आत्मा मेरे समान। यहाँ आत्मा को महत्व दिया गया। जैन दर्शन में वीतराग में आत्मा के सिवाय कोई भी तुम्हारा नहीं है, उसको महत्व दिया। तो यहाँ से आपकी वीतराग यात्रा शुरू हो सकती है, सम्यक दर्शन की यात्रा शुरू हो सकती है। ये कैसे जाना जा सके? आचारांग सूत्र में पहले सूत्र में बताया कि अरिहंत परमात्मा केवली भगवान स्वबोध उनको हो जाता है, जन्म से ही बोध हो जाता है। जब वो माँ के गर्भ में होते हैं या जन्म लेते हैं उनको बोध हो जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो आप सभी सबसे पहला सूत्र ये है कि अपने को बोध प्राप्त करो, मैं हूँ कौन, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मैं नाम से नहीं पहचाना जा सकता, मैं शिव मुनि हूँ, मेरा नाम गोत्र लिंग परिवार धन संपत्ति ये सारा बाहर का व्यक्तित्व है, छूटेगा, अनंत बार मिला छूट जाएगा, परंतु व्यक्तित्व से नहीं अस्तित्व की ओर आना है। अस्तित्व की ओर आएंगे और अपने आप को समझाएंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कैसे? या तो अरिहंत परमात्मा की कृपा से या कोई सद्गुरु आपको मिल जाए और जीव का बोध करवा दे, या स्वतः ही आपके भीतर कोई जाति समन या कोई ज्ञान हो जाए तो आपको बोध हो जाता है। तो ये बोध का होना बहुत जरूरी है। हम सबको अरिहंत परमात्मा की कृपा से ये बोध हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा था आत्मा रहूँगा, और जीव और अजीव का भेद आपको साधना के द्वारा आपको भगवान आगे बढ़ा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। तो ये बोध आपको हो गया है जीव अजीव का, आपकी यात्रा शुरू हो गई है। परंतु यात्रा शुरू हो गई है, इसको पूर्ण करना है, इसको आगे बढ़ाना है। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आपके भीतर देह में आत्म प्रवेश विद्यमान, असंख्यात परदेशी आत्मा। पूरे चेहरे पर आत्म प्रदेशों के स्पंदन का अनुभव करें। आंखें, नासिका, कान, गालें, पूरे चेहरे पे आत्म प्रदेशों का स्पंदन, कंठ, गर्दन, दोनों कंधे, भुजाएं, छाती, पेट, पीठ, जंघा, घुटने, टांगे, देह में आकार है, आकार में निराकार आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
निराकार आत्मा, आत्मा का कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। दो तत्व जुदा जुदा हैं, सिर के सिरे से पाम की अंगूठी तक आत्म प्रदेशों का स्पंदन करते हुए, देह भिन्न आत्मा भिन्न, देह में एक जीव तत्व आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, पवित्र है, देह में है पर देह से जुदा है। दो तत्व जुदा जुदा है, भेद विज्ञान के द्वारा इसको जाने और समझे। विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। विचार के पार, बुद्धि के पार, मन के पार आप अपने में स्थित रहें। भीतर के मौन को घटने दे, किसी विचार संस्कार को महत्व मत दे। इसी में एक लंबा गहरा सांस ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करो। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पर ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिथम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग, नमंग संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणम पवज्जामि। चारेश उसे का